प्रदेश में योगी सरकार भले ही महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन सामने आ रही वारदातों के बाद इन दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। ताजा मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने 2 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। परिजनों का कहना है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान पड़ोसी युवक ने मासूम को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची को छोड़कर वहाँ पर गए थे खाना लेने, हम मजदूर आधे पत्ता फेंकते हैं। जब हम वहाँ से लौट कर आए हैं तो हमारी लड़की खून पे लथपथ मिली। एक लड़का बुद्ध नाम का किराए पे रहता साथ में, और मेरी बिटिया के साथ डंडी बाथरूम में उसके डाला। मेरी बिटिया खून से लथपथ मुझको मिली है। जब मैंने पूछा है तो उन लोग इलाज करने के लिए तैयार हो गए थे। मुझको सुबह धमकी दी गई उसकी बहन ने मुझको मारने को। जब मैं कोतवाली पे आकर मैं अपनी हम को कह रही थी कि जब आया से तो मेरा भाई कोतवाली से नहीं छूटेगा। मासूम के साथ दरिंदगी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें देर रात एक सूचना आई थी, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया, जो इसमें अभियुक्त से गिरफ्तारी हो गई है और बच्चे का चिकित्सा इलाज हुआ, उसकी हालत अभी ठीक है और इसमें मामले की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में है। बहरहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।